गौरतलब है कि एक तरफ भारत लगातार अपने स्वदेशी हथियारों और डिफेंस सिस्टम का टेस्ट करके उनकी मारक क्षमता बढ़ा रहा है, साथ ही उन्हें चीन को सबक सिखाने के लिए LAC पर तैनात भी कर रहा है। इसी के चलते भारत ने पहले शौर्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट करके उसे तुरंत लद्दाख सीमा पर भेज दिया। अब एक बार फिर भारत ने चीन को अपने स्वदेशी हथियारों का दम दिखाने और चीन की किसी भी गुस्ताखी के साथ साथ युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए लद्दाख में अपनी स्वदेश निर्मित निर्भय क्रूज मिसाइल की तैनाती कर दी है। बता दें, ये मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और ये बिना भटके अपने निशाने पर अचूक वार करती है। ये दो चरणों वाली मिसाइल है, पहली वार में वर्टिकल और दूसरे चरण में हॉरिजॉन्टल। ये पहले पारंपरिक रॉकेट की तरह सीधा आकाश में जाती है और फिर दूसरे फेज में हॉरिजॉन्टली उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है और इस तरह ये अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। साथ ही गर्व करने वाली बात ये है कि निर्भय मिसाइल को DRDO ने पूरी तरह अपने दम पर बनाया है। इस मिसाइल में धीमी गति से आगे बढ़ने, बेहतरीन नियंत्रण एवं दिशा निर्देशन, स्टीक परिणाम देने तथा रडारों से बच निकलने की क्षमता है। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल का जवाब मानी जाने वाली निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और धरती से सटकर चलने वाली ये मिसाइल दुश्मन की निगाह से बचकर हमला करती है। इसके अलावा इन्हीं तैयारियों में शामिल है ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती, जिसे LAC पर अग्रिम मोर्चों पर पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद हथियार है। ये मिसाइल न केवल हवा से हवा में बल्कि जमीन से भी हवा में मार कर सकती है, जिसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लेकर स्टैंड ऑफ हथियार पहुंचाने का विकल्प है। बता दें, वर्तमान समय में इस मिसाइल को थल, जल एवं नभ में कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ये मिसाइल जमीन के नीचे परमाणु बंकरों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। ऐसे में देखा जाए तो सुखोई विमानों में ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाए जाने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी है।